हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री की पार्ट 5 वीडियो है, पांचवी वीडियो है। इसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और कुछ नए फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को आपको बता दिया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, जैसे कि मैं यहाँ लिखे देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आपने पढ़ी है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी आपने 1 पढ़ी है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी आपने 1 पढ़ी है। इस तरीके से ये तीन आइडेंटिटी और फिर इनसे बनने वाले फॉर्मूलेस को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और उनको जान लिया था। साथ ही साथ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में भी हमें पता है कि साइन थीटा अपोजिट है कोसेक थीटा के, या कोसेक थीटा अपोजिट है साइन थीटा के, सेक और कॉस ऐसे ही टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट है। उन्हीं की सहायता से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दो क्वेश्चन एक जैसे हैं, एक को मैं कर रहा हूँ, एक को आपको खुद करके देखना है। सेक थीटा प्लस कॉस थीटा आप जैसा चाहेंगे वैसा मैं कर लेता हूँ। मैं पहले वाले को कर लेता हूँ, दूसरा आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आपको दिख पा रहा है कि ये किस टाइप का फॉर्मूला बन रहा है। ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस टाइप का फॉर्मूला बन रहा है। तो एक बार क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है और क्या लेके के आना है हमको, हमको लेके आना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेकर के आना है। तो ध्यान देना, कई चीज़ें कई बार तरह तरह से चेंज हो जाती हैं। सेक को हम जानते हैं, या तो वन अपॉन कॉस कह सकते हैं। ठीक है, वन अपॉन कॉस करने से कोई फ़ायदा हमको दिख नहीं रहा, क्योंकि हमको क्या लेके आना है, टेन स्क्वायर लेके आना है। तो ऑब्वियसली बात है कि हम सेक का फॉर्मूला टेन वाले टर्म्स में लगाएंगे। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगी। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब टेन स्क्वायर थीटा पहले रखा हुआ है, बाद बाकी चीज़ें बाद में, तो मैंने टेन स्क्वायर थीटा को पहले लिख लिया, वन को बाद में लिख लिया, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको फिर से दिख रहा है, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और ये प्रूफ होकर के आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही आपकी आरएचएस थी जो आपको प्रूफ करना है। सिंपली आप इस क्वेश्चन को भी इसी तरह से कर पाएंगे, कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, कोसेक की वैल्यू लगा देंगे वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इतना प्रूफ होकर के आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप अपने आप कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दो क्वेश्चन है, एक आपको करना है, एक मैं खुद कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन को आप अपने आप करके देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, बड़ा क्वेश्चन है इसलिए। एलएचएस पोर्शन लेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना आंसर आना चाहिए, वन आना चाहिए। चलिए एलएचएस पोर्शन को लिखते हैं। कोसेक ए माइनस साइन ए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ, माइनस साइन ए। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, वन होगा। ठीक है, ऐसे इसको लिख लीजिए वन अपॉन कॉस ए, सेक ए को वन अपॉन कॉस ए, उसका उल्टा होता है, माइनस कॉस ए, अपॉन में कौन आएगा, वन आएगा। टेन ए को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जब सारी चीज़ें साइन कॉस में है तो इसको कॉट में नहीं लेंगे, फिर इसको भी साइन कॉस में ले लेंगे। और टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए का क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, कॉस ए अपॉन साइन ए। कह दो बात यहाँ तक समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। एलसीएम देखो, यहाँ क्या आएगा, साइन ए इंटू वन का एलसीएम आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। ठीक है, वन का मल्टीप्लाई वन में करेंगे वन रहेगा, साइन ए का साइन ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर बनेगा, कितना बनेगा, वन माइनस के कॉस स्क्वायर है, और एलसीएम में कौन आएगा आपका, कॉस ए। ठीक है बच्चे, ऐसे ही यहाँ की बात करो, यहाँ एलसीएम में दो चीज़ें हैं, एक तो कॉस ए है और एक साइन ए है। तो कॉस ए इंटू साइन ए का क्या मतलब हो जाएगा बेटा, साइन ए इंटू कॉस ए लिख लूँ या कॉस ए इंटू साइन ए लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मल्टीप्लाई में ए इंटू बी, बी इंटू ए बराबर होता है। साइन ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चे, अब वन माइनस साइन स्क्वायर आप जानते हैं फॉर्मूला, वन माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। नीचे कौन है, साइन ए है, इंटू मल्टीप्लाई में चल रहा है, ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर बन जाएगा। नीचे कौन है, कॉस ए है, इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चे, वन लिखी हुई है, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो साइन ए इंटू साइन ए क्या बन गया, साइन स्क्वायर हो गया, सारे मल्टीप्लाई में है ना तो कट जाएंगे। कॉस ए इंटू कॉस ए क्या बन गया, कॉस स्क्वायर बन गया। इस तरह से आंसर कितना आ गया, वन आ गया। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपके आरएचएस है। इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके और आंसर्स निकालेंगे। वन माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए लिखा हुआ है, सेक ए प्लस टेन ए को वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन अपॉन कॉस ए, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आप कर लेंगे। ठीक है, नीचे से शुरुआत करते हैं, इसके भी मिटाते जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे।
आपको दिख रहा है एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है, 1/1 sin A + 1/1 - sin A और प्रूफ करना है 2 sec² है। आप एलसीएम लेंगे बच्चों, ये a + b a - b, तो ये बन जाएगा a² - b² यानी 1 - sin² बन जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - sin A इधर आ जाएगा प्लस 1 + sin A इधर आ जाएगा, और 1 sin A से 1 sin A आपका कट जाएगा क्योंकि 1 प्लस का है और 1 माइनस का है। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 1 और 1 तो बन गया 2, और 1 - sin² ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। 1 - sin A क्या होता है, कॉस स्क्वायर, और 1/cos² क्या हो जाएगा, sec² है। तो आपका एक क्वेश्चन खत्म हुआ। ठीक है, 2/cos² किसकी वैल्यू हो गई, 2 sec² की होगी। चलिए बात करते हैं यहाँ, sin θ / 1 + cos θ, 1 + cos θ / sin θ इस फॉर्मेट में दे रखा है, क्या प्रूफ करना है, 2 cosec θ प्रूफ करना है। इसे मैं मिटा देता हूँ। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो 1 + cos θ एक ब्रैकेट में और sin θ दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, sin θ का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sin²θ। इधर बेटा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 + cos θ का होल स्क्वायर बनेगा। उसको कैसे खोलेंगे, a² + b² + 2ab यानी 2 cos θ हो जाएगा। 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा इसीलिए। ठीक है, अब क्या बचेगा, sin²θ + cos²θ, ये दो पार्ट है। sin²θ + cos²θ की भी वैल्यू कितनी होगी, 1 और 1 पहले से, यानी 1 + 1 हो गया, प्लस कौन है ये 2 cos θ, और नीचे कौन है, 1 + cos θ और sin θ। ठीक है, ऊपर देखिए 1 + 1 2 हो गया। अब ऐसा मत कर देना कि 1 + 1 + 2 कर दो, ये अलग नहीं है, ये 2 का मल्टीप्लाई cos थीटा के साथ हो रहा है, यानी ये पोर्शन अलग है और ये अलग है, ये दोनों तो ऐड हो सकते हैं। तो ये बन गया आपका 2 + 2 cos θ / 1 + cos θ और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा आपका sin θ। ठीक है, यहीं देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे, इस 2 को क्या ले लेंगे, कॉमन, तो कितना बचेगा बेटा 2 को कॉमन लेते ही, 1 + cos θ, नीचे भी कौन है, 1 + cos θ और इनटू में कौन था, sin θ, cos से ये 1 + cos θ से 1 + cos θ कट गया, कौन बचा, 2/sin θ बचा, और 2/sin θ की ही वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 cosec θ, क्योंकि 1/sin क्या होता है, cosec होता है, तो 2 cosec θ हो गई। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही सेम क्वेश्चन है ये वाला, और क्या प्रूफ करना होगा, 2 sec θ, तो इसे आप अपने आप करेंगे। ठीक है, यहाँ तक अब मिटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में उन क्वेश्चंस को अपने आप करके देख सकते हैं, या पॉज कर लीजिए, क्वेश्चंस को करके देखिए, फिर आगे देख लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + tan²θ / 1 + cot²θ। आसान से सवाल है, और क्या प्रूफ करना है, tan²θ प्रूफ करना है। तो सिंपल है, 1 + tan²θ की वैल्यू देखिए जरा, यहाँ से क्या आएगी, 1 + tan²θ की वैल्यू आएगी बच्चे sec²θ। ठीक है, अपॉन में ऐसे 1 + cot²θ की वैल्यू क्या आएगी, cosec²θ। ठीक है, sec की वैल्यू क्या होती है, 1/cos²θ, और cosec की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1/sin²θ। ठीक है, अब ये आपने पढ़ा है क्या, ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, ये इसमें पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई हो करके 1 के साथ। ठीक है, यानी इसका इसके साथ a/b/c/d है, तो ये का मल्टीप्लाई d के साथ, तो क्या बनेगा, ये 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा sin² के साथ, और इस वाले 1 के साथ हो जाएगा कौन, cos²θ। तो ये क्या बचेगा बच्चे, ये बचेगा आपका sin²θ / cos²θ, और sin/cos क्या होता है बेटा, tan होता है, और स्क्वायर लग रहा है तो क्या बन जाएगा वो, tan²θ। यही आपको प्रूफ करना था, ये आपके RHS आ गए। आई होप के समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको भी हम मिटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, और कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो बेटा, जब भी आपको वीडियो देखनी हो। ठीक है, कई बार बच्चे क्या करते हैं बेटा, कि थोड़ा सा देखते हैं तो उनको समझ में नहीं आया, उनको लगता है समझ में नहीं आ रहा, और वो हटा देते हैं। तो आपको हटाना नहीं है कोई चीज़, और कम से कम मैथमेटिक्स जैसी चीज़ तो बेटा इतनी सरलता से तो नहीं समझ में आएगी,
थोड़ा सा समय तो कम से कम खर्च करना पड़ेगा, तो थोड़ी देर वीडियो को देखा करो। अब जब आप एक बार आगे तक चले जाएंगे तो उसको फिर से रिवाइज करो, एक बार फिर से देखो उसको वीडियो को, तो आपको समझ में आने लग जाएंगे चीज़ें। थोड़ा सा शुरुआत में बेटे सभी चीज़ें कठिन ही होती हैं, हमेशा हमेशा शुरुआत में कठिन होती हैं, ठीक है। और अपने आप को कभी कम मत आंको, अपने आप को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि एक छोटे से बीज के अंदर भी एक बहुत बड़ा सा वट का वृक्ष होता है ना, छोटे से बीज के अंदर। तो अपने आप को कभी कमजोर मत मांकिए। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा सॉल्व करके कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। कितना आना चाहिए बेटा, जीरो आना चाहिए। चलिए इसको बात कर लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मैं इसको कर रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ज़्यादातर बेटा मेरा अपना अनुभव है कि जो भी टेन सेक कोसेक कॉट हों उन सबको आप साइन कॉस में ले आइए, सॉल्व करने लग जाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का। बहुत बेसिक सी बात मैंने आपको बता दी। कोसेक थीटा का मतलब वन अपॉन साइन थीटा, प्लस में कौन है साइन थीटा, ठीक है। अब जरा सॉल्व करिए इसको। ये एलएचएस पोर्शन लिया, सॉल्व करके क्या लाना है, जीरो लेके आना। साइन थीटा ये हो गया आपका एलसीएम, ये क्या हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और यहाँ कौन है प्लस का साइन थीटा। अच्छा देखो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई। अब तक हर बार आप वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रटते थे, ये उल्टा लिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। देखो यहीं से देखो आप, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का है तो उधर जाके कैसे हो जाएगा बच्चे, माइनस का हो जाएगा। यानी ये वैल्यू लिखी हुई है माइनस के साइन स्क्वायर थीटा की, अपॉन में कौन है साइन थीटा और प्लस में कौन है साइन थीटा। एक साइन थीटा से ये दो है ना स्क्वायर का मतलब दो, एक कट जाएगा, कौन बचेगा माइनस के साइन थीटा बचेगा, और यहाँ कौन था प्लस का साइन थीटा। एक प्लस का एक माइनस का घट गए, क्या बचा जीरो। यही आपकी आर एच एस है, यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आप देखेंगे तो साइन स्क्वायर है कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है, साइन से साइन कट जाएगा केवल कॉस स्क्वायर बचेगा, कॉस से कॉस कट जाएगा साइन स्क्वायर बचेगा, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी आ गई वन, अपने आप करके देखना है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन मैं आपको कर देता हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को देख लीजिए ज़रा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो इसको लिखा मैंने साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं है बेटा तो वन होगा। क्या प्रूफ करना है मुझको, इतना प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। अब आपको दिख रहा है जरा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, ये लास्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन पढ़ाया था हमने, इसमें भी ले लिया है फिर से। साइन स्क्वायर थीटा को हमने कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हमने कॉमन निकाला, तो बेटा यहाँ कौन बचा, यहाँ बचा वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन नहीं बचेगा ना, उसको बाहर ले लिया। और जब उसको बाहर ले लिया तो वहाँ कुछ नहीं तो वहाँ वन बचा, ऐसे यहाँ से भी साइन स्क्वायर थीटा को तो बाहर ले लिया, यहाँ कुछ नहीं तो वन बचा, नीचे कौन था वन, ठीक है। अब क्या लेंगे बच्चे, अब लेंगे हम यहाँ एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो कौन आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ तो कॉस स्क्वायर थीटा था तो ऊपर तो वन बचा, माइनस यहाँ एलसीएम लिया है ना, कैसे भिन्न को सॉल्व करते थे, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो वन टाइम जाएगा, वन का ऊपर मल्टीप्लाई वन आ गया, वन से इसको तो इस टाइम और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिए बस इसको, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका क्या जाएगा बेटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो वहाँ से देख के बताओ क्या आएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कौन है कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है क्या ब्रैकेट में, ब्रैकेट में फॉर्मूला बन रहा है क्या, पढ़ा तो है, क्या पढ़ा है साइन अपॉन कॉस किसकी वैल्यू होती है टेन की, स्क्वायर लग रहा है तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या बन गया ये टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों एक बात ध्यान रख लेना, अगर मैंने क्वेश्चन ये दिया है आपको और कॉपी में आप ऐसा करके आए, मैं आपको काट के जीरो दे दूंगा, क्यों दे दूंगा ये भी सीख लीजिए। जब भी हमसे कोई बात प्रूफ कराई जाती है, प्रूफ कराई जाती है तो उसको उसी फॉर्म में लिखना होता है जिस फॉर्म में वो गिवन है, टेन आगे साइन पीछे है, तो आप ऐसे ही लिखिए इसको, पहले टेन स्क्वायर थीटा लिखिए फिर साइन स्क्वायर थीटा लिखिए। आप कहोगे सर इसमें नई बात क्या, होता तो यही, हाँ होता यही है, लेकिन जो आपसे जैसे प्रूफ करने के लिए कहा जाए तो प्रूफ वाले क्वेश्चन में आपको ठीक वैसे ही प्रूफ करना चाहिए, ठीक है। तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यही आपकी क्या आ गई आर एच एस आ गई, यही आपकी क्या आ गई आर एच एस आ गई, आपको प्रूफ करना था, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में भी कोई सिंपल सी बात है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बच्चे क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये किसकी हो गई वैल्यू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ आएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक का मतलब वन अपॉन कॉस, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा वन बचेगा। ये क्वेश्चन भी आप अपने आप करके देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनडीए वगैरह का बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सेक की पावर 6 थीटा इक्वल्स टू 10 की पावर 6 थीटा प्लस 3 टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। एक और बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये अदा करती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो मैं बताने जा रहा हूँ, बात यह है क्या ये सेक की पावर 6 थीटा को इतनी बड़ी चीज़ प्रूफ करनी है। ये छोटा सा LHS पोर्शन, ये RHS पोर्शन है। अक्सर करके अच्छे अच्छे बच्चों को बेटा यही लगेगा कि RHS से ये लाया जाए, लेकिन RHS से ये नहीं लेके आ सकते हैं, हमको LHS से ही RHS को प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो चलते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे ये भी सीख रहे हैं। और कई जगह ऐसी बात आती है, आप अक्सर करके इस चीज़ को याद रखिए कि जो ज़्यादा बड़ी साइड होगी उससे हम छोटा प्रूफ आसानी से कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा दिख रहा है कि ये ज़्यादा बड़ी वाली साइड है, इससे ये छोटा प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं टेक्निकली जो ट्रिकी क्वेश्चन कहलाते हैं, उनको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता होती है कि वो कैसे प्रूफ हो पाएंगे। तो आप इससे ये लेकर के आना बहुत टिपिकल है, इससे इसको लेकर आना आसान है, इसीलिए मैंने कहा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है। चलते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सेक की पावर 6 थीटा है, आपको सिंपली क्या करना है, इसको सेक स्क्वायर थीटा को पावर क्यूब कर लेना है। तो ये पावर 6 हो गई, सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3 करेंगे तो वो 6 हो गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को लिख लीजिए क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और उसका भी क्या, ये होल क्यूब। अब ये बन गया ए प्लस बी का होल क्यूब, खोल दीजिए इसको, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब टेन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 3 ए का मतलब और बी टेन स्क्वायर थीटा, 1 को लिखा नहीं है मैंने, 3 इंटू 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तो 3ab और ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि क्लियर क्या फॉर्मूला बना, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फॉर्मूला बन गया। अब कई बार यहाँ से ना बच्चे कई जगह गड़बड़ी कर जाते हैं कि बहुत लंबा सवाल होगा, लंबा सवाल, यहीं आ गया आंसर, आ गया जो आपको चाहिए था, ये वही रखा हुआ है। अब वापस क्या करते हैं बच्चे कि इसका मल्टीप्लाई पहले इसके साथ अलग, फिर इसके साथ अलग, और फिर ढूंढते रह जाते हैं कि sec स्क्वायर थीटा कहाँ से आएगा। एक्चुअली में बेटा ये sec स्क्वायर थीटा ही लिखा हुआ है, ये रहा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सॉल्व कर दीजिए बस, 1 का क्यूब 1, ये हो गया 10 की पावर 6 थीटा प्लस 3 टेन स्क्वायर थीटा, और ये वापस फॉर्मूला लगा दीजिए ना कि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया sec स्क्वायर थीटा। हमको ध्यान देना होता है कि प्रूफ क्या करना है, उस पर आपका ध्यान हर समय रहे कि हमको क्या लेके आना है, बस वही ट्रिग्नोमेट्री में खेल है। अब मैंने कई बार कहा है कि जो प्रूफ कराना है जैसा वैसा ही आप लिखेंगे, पहले है 10 की पावर 6 थीटा तो 10 की पावर 6 थीटा प्लस 3 टेन स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही आपको प्रूफ करना था, यही आपकी RHS है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दो एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर फॉर्मूले देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं, एक क्वेश्चन मैंने ऐसा आपके लिए छोड़ दिया है, आप भी खुद करके देखिए। कोसेक की पावर 6 थीटा को प्रूफ करना है, कॉट की पावर 6 थीटा प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले ऐसे कर लेते हैं, टेन ए अपन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपन 1 माइनस टेन ए, प्रूफ करना है sec इंटू कोसेक प्लस 1। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। आपको दिख रहा है कि नीचे 1 माइनस टेन ए, लेकिन यहाँ 1 माइनस कॉट ए है। ठीक है, तो देखिए मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ, टेन ए तो ले लिया मैंने, यहाँ sec इंटू कोसेक प्लस 1 प्रूफ करना है ना मुझे, तो इसके लिए या तो इसको टेन और कॉट में कर लीजिए, या आप चाहें तो साइन और कॉस में कर लीजिए, जिसमें आप चाहेंगे उसमें आप आसानी से कर सकते हैं। अगर ये वैल्यूज लेके आनी है तो आपको खुद दिख रहा है कि ये 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 अपॉन साइन ए की फॉर्म में लिखा हुआ है, 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 अपॉन साइन ए की फॉर्म में लिखा हुआ है प्लस 1 के साथ में। तो या तो इस तरह से साइन कॉस में तोड़ लीजिए, या कॉट और टेन में ले लीजिए, फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं चाहूँगा अपने स्तर से, यदि आप मुझसे चाहते हैं कि कैसे करना है, तो मैं चाहूँगा साइन कॉस में तोड़कर करने के लिए। तो साइन ए अपॉन कॉस ए, ये टेन ए को लिखा है मैंने, और नीचे लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ऐसे यहाँ करिए कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। एलसीएम ले लेंगे यहाँ, यहाँ जब कुछ नहीं है तो 1 है, ऐसे यहाँ भी 1 है, एलसीएम आएगा साइन ए, और वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, नीचे आपका क्या बन जाएगा कॉस ए के साथ में साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए, नीचे बन जाएगा साइन ए और कॉस ए माइनस साइन ए आएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ समझिएगा ज़रा,
यहाँ लिखा हुआ है साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ लिखा हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए। मैं इसमें से अगर माइनस कॉमन निकाल लूँगा तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। जो प्लस का है वो माइनस का, और जो प्लस का है माइनस का है वो प्लस का। तो मैंने माइनस कॉमन निकाला और इसको रिवर्स कर दिया, क्या बन गया ये साइन ए माइनस कॉस ए। अब एलसीएम लेना थोड़ा सा आसान हो गया। एलसीएम लेंगे आप क्या बनेगा, साइन ए इंटू कॉस ए और ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। किसका मल्टीप्लाई किसके साथ रहेगा, ये तो यहाँ पोर्शन है, कॉस ए भी है, साइन ए नहीं था, साइन ए का ऊपर मल्टीप्लाई यानी साइन क्यूब। ऐसे यहाँ पर साइन ए और ब्रैकेट तो है, कॉस ए नहीं है, कॉस क्यूब है। ऊपर फॉर्मूला बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का बच्चों फॉर्मूला जानते हैं आप, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है बेटा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बस यही यूज़ करेंगे हम, सॉल्व करिए ज़रा। एक ब्रैकेट में आएगा ए माइनस बी यानी साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए क्या रहेगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। और ये नीचे आपका लिखा हुआ था साइन ए इंटू कॉस ए और ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए, इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट गया, साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कट गया। केवल बचा कितना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, यानी वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। मैं यहाँ लिखे देता हूँ थोड़ा सा, सवाल बचा वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए और नीचे भी कौन है साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसको वन के नीचे अलग और इसके नीचे अलग कर लीजिए, तो वन अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए प्लस इसके नीचे लिखेंगे तो वो कट जाएगा, यानी कि साइन ए इंटू कॉस ए के नीचे भी कौन आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए आ जाएगा, राइट। वन के नीचे अलग, इसके नीचे अलग, वन अपॉन साइन ए और वन अपॉन कॉस ए क्या होता है बच्चे, ये होता है सेक ए इंटू कोसेक ए, और ये आपका कट गया, कितना बचा वन। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपकी हर अच्छा से। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है। एक नया क्वेश्चन और है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉट थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बच्चे होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, केवल इसको यहाँ कर देता हूँ। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है इंटू कॉट थीटा, कॉट थीटा का मतलब क्या होता है बेटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और नीचे कौन है, कोसेक स्क्वायर थीटा यानी कि वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा और यहाँ भी वन अपॉन कॉस स्क्वायर होगा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, बचेगा आपका साइन अपॉन कॉस टेन थीटा जाएगा। अपने आप करके देखिएगा, मैंने केवल हिंट भाग को बता दिया कैसे होना क्वेश्चन। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे, कुछ फॉर्मूले अभी आपको देख लेते हैं और या नेक्स्ट ही वीडियो में देखेंगे। और इसी प्रकार से आप इन प्रैक्टिस को क्वेश्चंस को कर सकते हैं, आप आरडी शर्मा मैथमेटिक्स 10th क्लास के ले सकते हैं, उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, आप उन एग्जांपल्स को करके देख सकते हैं। ये 6.1 एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू आरडी शर्मा चल रही है और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन चल रहे हैं, कक्षा दस की ट्रिग्नोमेट्री की ये कुछ एक्सरसाइज जैसे ही और करेंगे दो एक तरह के क्वेश्चन, तुरंत ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इसके बाद त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और फिलहाल 11th क्लास के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो बहुत अच्छी है और आपके लिए बेस मजबूत करने वाली वीडियोज हैं। इसी के साथ आपके जो ट्रिग्नोमेट्री के आगे की वीडियोज़ हम लेके आएंगे उसमें 11th के भी ट्रिग्नोमेट्री के जो पार्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और पूरा का पूरा चैप्टर उसमें इंक्लूड करेंगे हम एंगल्स से लेकर के। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इसके एंगल्स के, प्लस माइनस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, और साथ ही साथ में एंगल्स क्या हैं और उसकी यूनिट्स क्या हैं, डिग्री है ना जिसको हम अंश कहते हैं, और रेडियन है, स्टेरेडियन है, और इसमें कन्वर्जन कैसे करेंगे हम। तो ये आपके 11th का पार्ट भी हो जाएगा और ये थोड़ा सा नॉलेज आपके इसके लिए हो जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहा करिए। और अक्सर करके हम ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करते थे दो पंक्तियों के साथ, और आज की शुरुआत तो बेशक दो पंक्तियों के साथ नहीं की, लेकिन आज हम दो पंक्तियों के साथ यहाँ से ही कह देते हैं। अभी मैंने दो बातें, एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी, एक बात अवश्य याद रखिएगा बच्चों, मैं ये
कई दिनों से कह रहा हूँ इस बात को, और जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं, जीवन मूल्य और जीवन स्तर ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन के पहलू हैं, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। एक को जितना आप बढ़ाएंगे दूसरा उतना ही नीचे चला जाएगा, यानी जीवन स्तर को अगर आप बढ़ाएंगे तो जीवन मूल्य आपके कम हो जाएंगे, और जीवन मूल्य को आप बढ़ाएंगे तो जीवन स्तर कम हो जाएगा। ये जो अभी एक घटना घटी सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक्टर की, जिसको लेकर के पूरे देश में इस प्रकार की चीज़ें हुई, अभी एक हाथनी के साथ में केरल में एक ऐसी दुर्घटना घटित हुई कि उसको नारियल में कुछ विषैले पदार्थ खिला दिए, ठीक है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये हमारे समाज के जीवन स्तर को बढ़ाते हुए जीवन मूल्यों को घटा देते हैं, उन्हें केवल एक प्रयोग करने के चक्कर में कि हमको देखिए क्या कर लेना है, केवल नई चीज़ें, तो वो जीवन स्तर जैसे ही बढ़ता है तो आपके जीवन मूल्य क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं किसी विशेष के लिए कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि कभी भी जीवन से ऐसे हारना नहीं चाहिए और इस प्रकार की चीज़ों को नहीं करना चाहिए कि आप अपने जीवन स्तर को तो बढ़ाएं लेकिन जीवन मूल्य आपके कम हो जाएं, इनमें सामंजस्य बैठाना बहुत आवश्यक है। तो बने रहिए ऐसे ही कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए, और थैंक यू सो मच, बाय बाय।